हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, लेकिन मैं अच्छी नहीं हूँ। आज सुबह से हमारे घर में लाइट नहीं थी। एक्चुअली हमारा मीटर नहीं लगा है अभी, और हमने ले रखी थी पड़ोसियों से लाइट, क्योंकि दिल्ली में मीटर लगने में पता नहीं कितना टाइम लगता है। या तो आप पैसा खिला दें, घूसखोरी के ज़रिए आपको मिल सकती है लाइट बहुत जल्दी, लेकिन मेरे पास पैसा खिलाने के लिए था नहीं। तो मैंने जो ईमानदारी से अप्लाई करते हैं वो अप्लाई किया, लेकिन अप्लाई करने के बाद भी बार बार मेरा जो एप्लीकेशन है वो फेल्ड हो रहा है। और उसमें अभी बना रही हूँ, डॉक्यूमेंट्स की कमी बताई जा रही है, जबकि मैंने अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट तरीके से वहाँ पर अप्लाई कर दिए हैं। लेकिन क्या है कि आज सुबह हमारे पड़ोसियों ने हमें 2 महीने से लाइट दे रखी है, जब तक मीटर नहीं लगता उन्होंने तरस खा के हमें लाइट दे दी। लेकिन आज सुबह जो रीडिंग लेने वाले आते हैं वो लॉकडाउन के बाद पहली बार अब रीडिंग लेने आए, तो उन्होंने उनको कह दिया कि अगर आप पकड़े जाते हैं तो बहुत ज़्यादा जुर्माना होगा। हमें पता है मनोथवाइज काम कर रहे हैं, ये लीगल नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करें, मजबूरी है। मजबूरी में हमने लाइट ले रखी थी, लेकिन अब पड़ोसी डर गए, उन्होंने हमारी लाइट हटा दी। तो सुबह से हमारे घर में लाइट नहीं थी, हम लोग बाहर बैठे हुए थे घर के, कहाँ जाए गर्मी में। तो लाइट अभी उन्होंने रात के अंधेरे में लगा दी है, और सुबह फिर से हटा देंगे। पता नहीं हम क्या करेंगे। मैंने बहुत सारी जगह जाकर आज बात की है कि बिजली हमारी लग जाए, तो अभी किसी ने बोला है कि 5-6 हज़ार रुपये खाकर वो हमें लाइट लगवा देंगे। बिजली वाले से ही किसी से बात हुई है, लेकिन 5-6 हज़ार रुपये भी अभी मेरे पास नहीं है किसी को देने के लिए। तो देखते हैं क्या होगा, कैसे लाइट लगेगी। वैसे मेरी कोशिश ये रहेगी कि पूरा लीगल तरीके से लाइट ली जाए, कोई भी गैर कानूनी काम ना किया जाए। लेकिन मुझे नहीं पता लाइट कैसे लगेगी, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं और बिना लाइट के बहुत ज़्यादा परेशानी आज हमने उठाई है पूरा दिन। और जिनसे हमने नेबर से लाइट ले रखी है वो भी डरे हुए हैं कि अगर उनका चालान वगैरह हो जाता है तो क्या होगा। देखते हैं कैसे लाइट हमारी लगेगी और कब लगेगी, आई डोंट नो। तो आगे जो भी होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि गर्मी में बिना लाइट के रहना तो बहुत ही मुश्किल है। काव्या अंदर आजा बेटा, पूरा दिन बाहर बैठकर आज हमने गुजारा है। और बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनकी लाइट नहीं लग रही है। मैं गई थी बिजली के ऑफिस में, जो होता है रीजनल ऑफिस, वहाँ पर ये बोला गया कि जो ये इलाका है हमारा, यहाँ पर अभी ओवरलोडिंग चल रही है, जिसकी वजह से लाइट आज हमारे पापा आए हैं, तो जिसकी वजह से लाइट नहीं लगी थी। आज क्या हुआ था लाइट के बिना? आज लाइट के बिना कुछ भी नहीं बन पाया, और हमारी लाइट चली गई थी। कैसा लग रहा था? कैसा लग रहा था लाइट चली गई थी? आज हमारे पापा आए गए, उसके पापा की नाइट शिफ्ट लगी थी तो आज आने वाले हैं।